हेलो फ्रेंड, मैं हूँ गणेश कुमार। दोस्त, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप वैक्सीन लिए होंगे कोविड-19 का, ठीक है, कोरोना का वैक्सीन लिए होंगे, उसमें आपका गलत हो सकता है, मे बी कहीं नाम, उम्र, आधार नंबर और लिंग। अगर ये सब गलत हो चुका है तो आप यहाँ 1 मिनट के अंदर में आप उसको सही कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत आसानी से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो, उसी टाइम करेक्शन हो जाएगा और आप उसी टाइम डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपका सही है फिर भी आपको डाउनलोड कैसे करना है, इस वीडियो में आपको सारे के सारे प्रोसेस भाई मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसका 2 स्टेप होता है, एक होता है एप्लीकेशन के थ्रू जो कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है, एक होता है डायरेक्ट ब्राउजर के थ्रू, ठीक है। तो मैं इसमें ब्राउजर के थ्रू मैं आपको करेक्शन और डाउनलोड करके भी दोनों दिखाने वाला हूँ। आपको यहाँ पे सिंपल सा करना क्या है, क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, ऐसे नॉर्मल सा कोई ब्राउजर आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में आ रहे बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल कर दीजिए आप, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंपल सा करना क्या है, आपको यहाँ पे टाइप करना है कोविन, COWIN, ठीक है। कोविन यहाँ पे जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके पास फर्स्ट इंटरफेस आ जाएगा इस टाइप का, जहाँ पे लिखा होगा COVIN.gov.in। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्त इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे ना, तो सबसे पहले नंबर यहाँ पर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन एंड साइन इन का, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जिस टाइम पर आप वैक्सीन लेने के लिए गए होंगे और जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड उसमें दिए होंगे ना, उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे गेट OTP वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो मैं इसे भी कर लेता हूँ। देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे OTP आ चुका है, तो मैं यहाँ पे OTP सिंपल सा डायल कर देता हूँ और यहाँ पे नीचे देखेंगे वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पे लॉगिन OTP करोगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट होंगे, सारे कैंडिडेट का आपको यहाँ पे इंटरफेस दिख जाएगा, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे इस नंबर से इंजेक्शन लिए होंगे। और मैं बता दूँ कि अगर आप एक नंबर से मैक्सिमम आप 4 मेंबर ही इंजेक्शन ले सकते हो, उसके बाद आप यहाँ से चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको किसी का भी नाम यहाँ पर चेंज करना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल या फिर आधार नंबर या फिर लिंक, कुछ भी आपको यहाँ पर चेंज करना है, तो आपको यहाँ सिंपल सा करना क्या है, 3 डॉटेड वाले लाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे लाइन दिख रहा होगा। उसके बाद आप यहाँ पे एक सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, सपोर्ट वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखेंगे यहाँ पे एक आ रहा हुआ सर्टिफिकेट कलेक्शन, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पर जो आ रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पर जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा मेंबर चूज करने के लिए, तो आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप इसमें एक मेंबर है तो फिर एक ही मेंबर का नाम दिखाई देगा, 3 मेंबर है तो 3 मेंबर का दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, जिस भी मेंबर का यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर आधार नंबर जिस भी चेंज करना है, तो उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा नाम, जैसे कि देखेंगे नाम आ चुका है, जेंडर आ चुका है और आधार नंबर का यहाँ पे 4 डिजिट लास्ट का आ चुका है। कुछ भी आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दे देना है, ठीक है दोस्त। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि कंटिन्यू वाला ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू आपको यहाँ पे कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे आप डायरेक्ट से होम पेज पे आ जाएंगे और आपका यहाँ पे within 24 hours के अंदर में आपका जो एप्लीकेशन है जनरेट हो जाएगा, जहाँ तक ये लाइव ही हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्रेस करेंगे उसी नाम पे यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो आप इसी तरीके से किसी भी इंसान का चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे वैक्सीन ले चुके हैं। और सेम प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन करना है तो सेम प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन भी ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करके रखा है लेकिन हमने अभी वैक्सीन लिया नहीं है। तो दोस्तों, आपका ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद।